नमस्कार दोस्तों, आज आप जानोगे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर की एक नई ट्रिक, जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूटिलाइज करके इसे बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक। वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे एक बार एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक को यूज करने के लिए आपको चाहिए इंडिया गोल्ड ऐप, एंड इसे आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। ऐप डाउनलोड करते ही आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड कुछ छोटी मोटी डिटेल्स एंटर करते ही फिर आप यहां आ जाओगे एंड ये आपको ऐसी ऐप की होम स्क्रीन नजर आ जाएगी। यहीं पे आपको क्विक लिंक्स के अंदर गिफ्ट विद क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आप करेंगे टैप। गिफ्ट वाले टैब पे आके यहाँ आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, बाय गिफ्ट कार्ड पे करना है टैब। अब यहाँ आपको गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। सबसे बड़ा गिफ्ट कार्ड जो यहाँ पे अवेलेबल है ये है 1 लाख रुपीस का डिजिटल गोल्ड गिफ्ट कार्ड एंड सो ऑन। सो ये जो डिनोमिनेशन है ये सब यहाँ पे अवेलेबल है, एंड जो सबसे छोटा गिफ्ट कार्ड अवेलेबल है वो है 1000 रुपीस का। सो अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लिमिट है समझो 4 लाख की एंड आपको वो पूरे कन्वर्ट करने हैं, तो आप 1 लाख के 4 डिजिटल गोल्ड गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू ये करोगे। अभी इस वीडियो के पर्पज़ से मैं आपको 1000 का डिजिटल गोल्ड गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट करके बताता हूँ। सो इसे आप ऐसे करोगे टैप, एंड यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर भी आप कर देंगे टैप। अब आप मेक पेमेंट वाले टैप पे आ चुके हो। यहाँ आपको चेक कर लेनी है सारी डिटेल्स। सो पहली जो चीज़ है वो ये कि ₹1000 का डिजिटल गोल्ड गिफ्ट कार्ड आपने सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ बता दिया गया है। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करने के ऑप्शंस मिलते हैं अलग अलग। फर्स्ट है क्रेडिट कार्ड, सेकंड है वॉलेट एंड थर्ड है वाया डेबिट कार्ड। आपको इस्तेमाल करना है इस ऑप्शन का, बट इस ऑप्शन में एक चीज़ यहाँ मैंशनड है, वो ये कि आपको कन्वीनियंस फी चार्ज की जाएगी विच इज़ 1% ऑफ गिफ्ट कार्ड वैल्यू अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो। अब आप कहोगे कि अंकुश क्या है यार, यहाँ पे तो हमें चार्ज लग रहा है, बट यहीं पे तो है दोस्तों ये ट्रिक। एंड ट्रिक ये है कि अब आप यहाँ पे जब पेमेंट करोगे तो आप यूज़ करोगे या तो स्लाइस कार्ड का या यूनी कार्ड यूज़ कीजिए या कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए जिस पे आपको यूजुअली 1% या उससे ज़्यादा का कैशबैक मिल जाता है, समझे आप। तो जब आपको उस कार्ड पे मिलेगा कैशबैक तो आपको ये जो कन्वीनियंस फी लगी है ये हो जाएगी बिल्कुल ज़ीरो। ये मैं अभी आपको करके भी बताता हूँ। एंड दोस्तों और एक चीज़, अगर आपको इस ऐप में ये नज़र आए कि यहाँ पे आपको 2% ऑफ गिफ्ट कार्ड वैल्यू लगने वाली है जो इनका नॉर्मल प्रोसीजर है कन्वीनियंस फी के मामले में, तो तब आप ये गिफ्ट कार्ड मत खरीदिए। यूजुअली दोस्तों ये महीने में एक बार तो ये ऑफ़र पूरे हफ्ते चलती ही है कि जहाँ ये 50% ऑफ ऑन कन्वीनियंस फीस चार्ज करते हैं, विच मीन्स के सिर्फ 1% चार्ज करते हैं ऑफ द गिफ्ट कार्ड वैल्यू। तो उस वक्त जो है आपको इस ट्रिक को यूज़ करना है। एंड अब फिर आप क्या करोगे, यहाँ ऐड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पे टैप करके ये पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करते वक्त अगर आपको KYC कंप्लीट करने का कोई पॉपअप आ जाए तो प्लीज़ आप वो कंप्लीट ज़रूर कर ले, छोटी सी KYC करनी होती है, दैट्स इट। फिर आप यहाँ पे ये सारी डिटेल्स को भर के पे कर देंगे। पेमेंट कंप्लीट करते ही आपको ये गिफ्ट कार्ड दे दिया जाएगा। अब यहाँ है ये मेन ट्रिक। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पैसे को करना है आपके बैंक में ट्रांसफ़र। नाउ आप यहाँ क्लिक करोगे कैंसिल गिफ्ट कार्ड वाले ऑप्शन पे, पॉपअप आ जाएगा कैंसिल करेंगे गिफ्ट कार्ड, तो आपको 1000 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। कैंसिल एंड इनिशिएट रिफंड पे करें टैप। बैंक में पैसे लेने के हैं 2 तरीके, पहला है बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड करके, दूसरा है UPI ID। मेरी माने तो ये इजीएस्ट है, बस यहाँ अपनी UPI ID को करें पेस्ट एंड सेंड मनी टू बैंक अकाउंट पे कर दे टैप। नेक्स्ट स्क्रीन बता दी जाएगी कि आपका गिफ्ट कार्ड हो चुका है कैंसिल एंड रिफंड है इन प्रोसेस, दैट्स इट। अब आपका पैसा आ जाएगा आपके बैंक में। प्रोसेस अगर पसंद आया हो, ट्रिक अगर समझ में आई हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।